इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले मार्केट में दुकान के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके तहत आज स्मार्ट सिटी सीओ द्वारा लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल नंदलालपुरा क्षेत्र में कई सालों से पुरानी मंडी में कई विक्रेता सब्जी और फलों की दुकानें लगाकर अपना व्यवसाय चला रहे थे। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा सड़कों पर ही दुकानें लगाना शुरू कर दी थी, जिसके कारण उस रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे निजात दिलाने के लिए निगम ने इस क्षेत्र के पुराने मार्केट को तोड़कर वहां नए मार्केट का निर्माण कराया, जिसमें अब नगर निगम और सभी सब्जी और फल विक्रेताओं को शिफ्ट करेगा, जिसके विक्रेताओं को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से 68 दुकानों के साथ करीब 121 होटलों के आवंटन भी लॉटरी के माध्यम से किया गया। जो हमारे नंदलालपुरा सब्जी मंडी में टोटल अभी 68 जो दुकानें हैं उनकी हमने लॉटरी की है, और इसमें ये प्रक्रिया अपनाई है कि जो दुकानें पहले से फ्रंट में हैं तो उनको हमने पहले फ्रंट वाली दुकानें ली 24 और उसमें से अलॉट किया, फिर जो उसके बाद जो हमारी 44 दुकानें बचती हैं उनको हमने अंदर की दुकानें अलॉट की। सिमिलरली हमारे 121 होटल बने हुए हैं और अब सेकंड फेज में 121 होटलों का भी लॉटरी के माध्यम से अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। देखिए, जो सबसे अच्छी प्रक्रिया नियमानुसार हो सकती थी उसका हमने पालन किया है, और मुझे लगता है कि पूरी लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई है और सभी लोग उससे संतुष्ट रहे। अभी इसमें तो किसी की भी सहमति भी नहीं रही है। एक शॉर्ट नोटिस में कल इन्होंने बुलाया कि आपको सुबह 10-12 बजे यहाँ पहुँचना है, जिसका किराया पूरा जमा है उनको बुला के बता दिया है कि हम लॉटरी सिस्टम से दुकान खोल रहे हैं, नहीं आ रहे तो कल से आपको दुकान नहीं मिलेगी, नगर निगम तोड़ देगी आपकी दुकान। मजबूरन हम सबको यहाँ आना पड़ा, न तो उन्होंने बताया आपको कौन सी दुकान कितने फिट की दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं बताया, किराया बताया। हमारी दुकान वहाँ पे 250 फिट ऊपर, 150 फिट नीचे, 400 फिट की 50 साल पुरानी दुकान, उसके बदले में उनको दुकानें अब जो लॉटरी में दे रहे हैं सिर्फ मात्र 85 फिट की दे रहे हैं, वो भी लॉटरी सिस्टम से। आपका नसीब है आगे पीछे जहाँ भी आप जाए, तो इसलिए हम संतुष्ट नहीं है पूरे, क्योंकि जितनी जिसकी बड़ी दुकान है कम से कम उतनी जगह दो। हालांकि कई व्यापारी निगम की इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं दिखे। संतुष्ट नहीं है इससे, क्योंकि हमारे वहाँ 3 शटर की दुकान है, एक ही छोटी दुकान मिली है, भाई 3 शटर की दुकान है। हमारे ऊपर 400 नीचे थी, 400 ऊपर थी, 800 फुट है, 400 नीचे थी ऊपर। इन्होंने सर इतना में हमारी 3 दुकान की थी ना, एक भाई थी फिरा तो भी फिरा तो वो तो बात उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया है कि बात करते बाद में बोला उन्होंने सर। कुल मिलाकर दुकानों के आवंटन से व्यापारियों का धंधा फिर से पटरी पर लौट सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।